नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में बहुत बहुत स्वागत है। क्रिसमस आने वाला है और नया साल भी, तो चलिए बनाते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चॉकलेट मफिन्स, जो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाएंगे, बहुत सॉफ्ट बनेंगे और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप सब मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में हमने इसके ऊपर जो लिक्विड चॉकलेट होती है उसकी गार्निशिंग की है, जिससे इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप इसको आने वाले मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं और एक हफ्ते तक रखकर आराम से खाए जा सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम एक कप के लगभग मैदा को अच्छी तरह से छान लेंगे और साथ में हम आधा कप के लगभग कोको पाउडर डालेंगे और 3/4 टीस्पून हम बेकिंग पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिलाकर छानेंगे, साथ में हम 100 ग्राम या एक कप के लगभग पिसी हुई चीनी डाल देंगे। अच्छी तरह से हमें छानना ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो केक में जाली बनती है मफिन्स के अंदर वो बहुत अच्छी बनेगी और हमें एक बार नहीं इसे दो बार छानना है। ये एक खास टिप है, इसके जरिए हमारे मफिन्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। इस तरह से मैंने इसे अच्छी तरह दो बार छान लिया है, इसे सारा सामान जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। अब हम इसके अंदर आधा कप के लगभग मक्खन को हल्का सा पिघलाकर वो हम इसमें डाल देंगे। अगर सूखा मक्खन डालेंगे तो वो अच्छी तरह से जम जाएगा, जिससे मफिन्स अच्छे नहीं बनेंगे। हमें गरम मक्खन नहीं चाहिए, बिल्कुल हल्का सा हमें इसे बस मेल्ट करना है। अब हम इसके अंदर हल्का गरम जो है आधा कप के लगभग दो बार में करके दूध डालेंगे और इसकी अच्छी गाढ़ा बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। दूध हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, ताकि इसके अंदर लम्प्स ना बने। एक साथ सारा दूध डालने से इसके अंदर लम्प्स बन जाएंगे, जिसे बाद में हमें ठीक करने में थोड़ा दिक्कत आएगी। और एक खास बात है, हमें कोको पाउडर हमेशा अच्छी क्वालिटी का लेना चाहिए, उससे मफिन्स या केक्स उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1/4 कप के लगभग मैंने इसके अंदर अखरोट और बादाम जो है वो काट कर ले लिए हैं। हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। 1 से 2 मिनट तक हम इसे कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करना है। अब हम इसमें 3/4 टीस्पून विनेगर ऐड कर देंगे। विनेगर ऐड करते ही बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा आपस में रिएक्ट करने लगेंगे। बस अब इसके बाद अच्छी तरह से जो अप्पे पैन होता है उसको गैस के ऊपर हम गर्म करने के लिए रख देंगे। 2 मिनट तक लो फ्लेम पे गर्म करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे। आप इसे चाहें तो मक्खन से भी कर सकते हैं और रिफाइंड ऑयल से भी। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून के लगभग हर अप्पे के अंदर जो भी इसके होल्स बने हुए हैं उसमें धीरे धीरे इसे डालते जाएंगे। साथ में हम ऊपर से इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा बादाम के टुकड़े या अखरोट के टुकड़े भी डाल सकते हैं, और आप चाहें तो इसके अंदर थोड़े से चोको चिप्स वगैरह जो है वो भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। इस तरह से मफिन हमारे बहुत जल्दी भी बन जाएंगे। बस 10 मिनट लगे हैं मुझे इसे बनाने में और बहुत बढ़िया फ्लफी एकदम सॉफ्ट जो है मफिन बनकर तैयार हुए। अब हम इसे ढककर 4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। इस तरह से हम एक बहुत अच्छे मफिन तैयार कर सकते हैं, हमें बाज़ार से लाने भी नहीं पड़ेंगे और घर में ही हम बच्चों को बहुत अच्छी चीज़ खिला सकते हैं। 4 मिनट के बाद ये देखिए, ये एक तरफ से बिल्कुल अच्छे से सिक गए हैं। अब हम इसे किसी चाकू या चम्मच या अप्पम पैन के साथ, जो साथ में लैडल आता है उसकी हेल्प से इसे धीरे धीरे सारे अप्पे हम इसे पलट देंगे। ये देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट और प्लफी बने हैं और कितने फूल गए हैं, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। इस तरह से एक बहुत ही अच्छे हमारे चॉकलेट मफिन बनकर तैयार हो जाएंगे। सारे पलट करने के बाद हम इसे ढककर 3 मिनट तक दूसरी तरफ से भी पकाएंगे। उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और 2 मिनट बाद ढक्कन हटाने के बाद हम चेक करेंगे। ये देखिए इस तरफ से भी ये बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं। आप चाहें तो इन्हें ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, या इसके ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट थोड़ा सा डालकर उससे भी सर्व किया जा सकता है। मैंने थोड़ी सी चॉकलेट जो है इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए डाल दी है, जिससे देखने में भी बहुत सुंदर लग रहे हैं और खाने में भी इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। आप इन्हें किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रखकर आराम से सर्व कर सकते हैं, बाकी इतनी देर ये चलने वाले नहीं हैं। आप बनाएंगे और फटाफट से ही उसी समय ख़त्म भी हो जाएंगे। देखने में ये बिल्कुल केक की छोटी छोटी बॉल्स लग रही हैं और खाने में भी बहुत अच्छी बनी है। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। ये देखिए मैं अभी आपको एक तोड़कर दिखाती हूँ, अंदर तक कितनी अच्छी जाली बनी हुई है और कितना अच्छा इसका कलर भी आया है, खाने में भी उतने सॉफ्ट बने हुए हैं। आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ,
और मैं रोज़ नई नई वीडियो डालने की कोशिश करती हूँ। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ इन्हें शेयर करें ताकि मेरा चैनल थोड़ा ग्रो हो सके। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आप सबका मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।